सो हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल ऑफ दिस चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल रीड कर ही लिया होगा, आज हम क्रिएट करने वाले हैं ओपी से टेक्स्ट आपके गेमिंग थंबनेल्स के लिए, और वो हम क्रिएट करने वाले हैं विदाउट यूजिंग फोटोशॉप टच। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि हमें फोटोशॉप टच का यूज ना करना पड़े, कि वो सारे डिवाइसेस में वर्क नहीं करता सही से, और जिनमें करता भी है तो थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है शायद, वैसे तो वो है नहीं। और ट्यूटोरियल की ओर बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग टेक्स्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ मैं टेक्स्ट के ऊपर ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता करना है कि बेस कैसे क्रिएट करना है, तो उसके ऊपर मैंने एक पहले से वीडियो बना रखी है, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी मैं GFX से रिलेटेड अपडेट लाता रहता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हमें अपने पिक्सल लैब में आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद में हमारा मेन काम शुरू होता है। तो हमें दो तीन टेक्स्ट की लेयर क्रिएट करनी है अपने उस जैसे टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए। तो मैं इस न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, और इसमें मैं सिंपली एक एज एग्जांपल अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर 69 लिख दे रहा हूँ। आपको जो भी अपने थंबनेल के ऊपर रखना है वो लिख दीजिएगा। और ये 69 लिखने के बाद में हमें फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं फ़ॉन्ट चूज़ करने वाला हूँ वोग्रिया करके एक फ़ॉन्ट है, इसकी लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये वोग्रिया ये रहा, इसको चूज़ कर लेता हूँ और सिंपली इसे यहीं पर रखने देते हैं, और इसकी अलाइनमेंट मैं कर देता हूँ सेंटर में, तो हमें टेक्स्ट यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपली टिक मार्क कर देना है। इसके बाद फर्स्ट लेयर जो हमें चूज़ करनी है वो शैडो वाली होगी, और हमें वही क्रिएट करनी है। तो सिंपली शैडो पे जाना है, इसको इनेबल कर देना है और टिक मार्क कर देना है। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर क्रिएट हो गई। इसके बाद में सिंपली बैकग्राउंड को हमें ट्रांसपेरेंट कर देना है, और इसको एज अ PNG एक्सपोर्ट कर लेना है। डायमेंशन हमें अल्ट्रा कर देना है ताकि थोड़ी अच्छी क्वालिटी में सेव हो, और सिंपली सेव टू गैलरी। तो ये फर्स्ट लेयर हमारी सेव हो चुकी है। फिर से इसी टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और इस बार में हमें शैडो डिसेबल करनी है। तो उसी जिस शैडो पे हम लोग गए थे उस शैडो पे जाके और इसको डिसेबल कर देना है, सिंपली टिक मार्क कर देना है। इसके बाद में हमें इनर ग्लो चाहिए, तो इनर ग्लो के लिए हमें करना है, इस टेक्स्ट को हमें ट्रांसपेरेंट करना होगा पूरा। तो सिंपली हमें कलर पर जाना है, और ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाला कलर चूज़ कर लेना है। तो अगर ये यहाँ पर नहीं है तो प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, और ये दिख रहा होगा आपको सबसे इधर लास्ट में लाके 00 सब कुछ कर देना है, फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो हमारा टेक्स्ट गायब हो जाएगा स्क्रीन से, पर होता है। इससे टेक्स्ट पे क्लिक करना है और चले आना है इनर शैडो पे। तो ये रहा इनर शैडो, इस पर क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है, और इसके बाद में हम ये जो लाइट ब्लू वाला है इस पर क्लिक करके ब्लर रेडियस इसकी 5 करके इनर ग्लो दे देंगे, और सिंपली टिक मार्क कर देंगे, और इसको भी हम एक्सपोर्ट कर देंगे। इसको भी एज अ PNG हमें सेव कर लेना है, तो अल्ट्रा रख के एज अ PNG सेव कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मेट PNG हो। इसके बाद फिर से इसी टेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में हमें इनर शैडो डिसेबल करनी है, क्योंकि हमें इस बार मेन टेक्स्ट कलर लेना है। तो इनर शैडो डिसेबल कर देते हैं, सिंपली टिक मार्क। अब जाते हैं हम लास्ट जो हमारा काम बचा है कलर पे। कलर पे क्लिक करते हैं और ग्रेडियंट दे देते हैं। मैं एक ग्रेडियंट ये चूज़ कर रहा हूँ, मुझे सही लग रहा है ब्लू और लाइट ब्लू वाला। आप लोग कोई सा भी ग्रेडियंट चूज़ कर सकते हैं उस कलर्स में जाके जो भी पसंद हो। अब इसके बाद में क्या करना है, सिंपली एक्सपोर्ट, इसको भी एज अ PNG अल्ट्रा डायमेंशन रख के सेव कर लेना है। तो ये हमारे तीन लेयर्स टेक्स्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें जाना है अपने पिक्सआर्ट में, सो लेट्स गेट इनटू द पिक्सआर्ट। तो अभी आ चुके हैं हम अपने पिक्सआर्ट में, और पिक्सआर्ट में आने के बाद में हमें अपना बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। तो मैं ये बैकग्राउंड चूज़ कर रहा हूँ ऐसे ही कोई सा भी ऐसा कस्टम डिफॉल्ट, और आप लोगों को यहाँ पर अपने स्क्रीनशॉट गाइड करना है। तो आप वो मेरी वीडियो देखकर कैसे बेस क्रिएट करना है वो बेस क्रिएट करके उसके बाद में पिक्सआर्ट में ऐड कर लेना है। इसके बाद सिंपली ऐड फोटो पे जाना है और अपनी फर्स्ट वाली लेयर को ऐड करना है। तो मैं सबसे पहले कलर वाली ऐड कर रहा हूँ, इसको ऐड कर लेते हैं, और इसको मैं से थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ करके और इतना रख देता हूँ। सिंपली इसको हमें टिक मार्क कर देना है, फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना है, और इस बार में इनर ग्लो वाली हमें ऐड कर लेनी है, उसको ऐड करना है, और इसका भी साइज इंक्रीज़ करना है। और हमें ध्यान देना है कि हमारे टेक्स्ट के ऊपर रहे पूरा, ना इधर इधर उधर ज़्यादा ना हो। तो हमें देख लीजिए हमारे टेक्स्ट के ऊपर पूरा सही से फिट हो गया। इसके बाद में इसको क्या करना है, सिंपली जाना है इसकी ब्लेंडिंग पे, ये रहा हमारा नीचे ब्लेंडिंग, और इसको कर देना है ऐड। ये कुछ ऐसा इफेक्ट दे देगा कूल सा ग्लू टाइप का। तो ये हो गया हमारा, तो मैं रफली कर रहा हूँ, आप लोगों को देख लीजिएगा कि ये इधर उधर ना हो, नहीं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। जैसे ये हमारा है, अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे हो गया तो बिल्कुल ख़राब लगने लग जाएगा। तो इसको हमें ध्यान देना है कि हमारे टेक्स्ट के ऊपर ही रहे सही से। सिंपली ये हो गया, इसको भी टिक मार्क कर देना है, फिर से ऐड फोटो पर जाना है, और लास्ट हमारा काम बचा है शैडो वाला। ये रही हमारी शैडो, और सिंपली शैडो ऐड कर लेनी है। तो इस शैडो को भी साइज़ को भी इंक्रीज़ करना है, और इसको टेक्स्ट के ऊपर ही लाके ऐड कर देना है। इसकी भी ब्लेंडिंग में जाना है, और इसको कर देना है मल्टीप्लाई।
और बस हमारा काम खत्म, हमारा टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। देखिए कितना कितना ज़्यादा कूल लग रहा है। और एक बार इसमें हम काम और कर सकते हैं, सिंपली फिर से हम ऐड फोटो पे जाएंगे और वो जो ग्लो वाला था उसको एक बार और ऐड कर लेंगे और इसके साइज को इनक्रीज उतना ही करके और इसके ब्लेंडिंग पे जाके हम लोग ओवरले कर देंगे। ब्लेंड पे जाके इसको हम कर देंगे ओवरले, ये देखिए कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। तो अभी ज़्यादा कूल लग रहा है, सिंपली टिक मार्क कर देंगे और हमारा टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार और बता रहा हूँ। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।